तो हेलो, कैसे हो भाई लोग? स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस गाइस गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, क्लैन गेम्स खत्म हुए, बहुत दिन हो चुके हैं। एंड आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि हम लोगों ने अभी तक क्लैन गेम्स के रिवॉर्ड्स क्लेम किए नहीं है। पहले हम लोग अपने टाउन हॉल 13 से रिवॉर्ड्स क्लेम करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने टाउन हॉल 10 के ऊपर पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। 7 घंटे बाकी है सिर्फ यहाँ पे। पहले टायर से हम लोग लेंगे यहाँ पे जेम्स या फिर ट्रेनिंग पोशन। क्या लूँ? ट्रेनिंग पोशन ले लेते हैं। सेकंड टायर से हम लोग ले लेते हैं रिसर्च पोशन। एंड थर्ड टायर से अपने को लेने हैं यहाँ पे जेम्स। एंड फोर्थ टायर से ऑफकोर्स यार वॉल ऑफ रिंग्स। एंड फिफ्थ से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं रून ऑफ बिल्डर गोल्ड। एंड लास्ट वाले से ले लेते हैं हम लोग रून ऑफ एलिक्सर। इनको कर लेते हैं हम लोग फटाफट से कलेक्ट। एंड भाई जेम्स भी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी आ चुके हैं, 522 जेम्स हमारे पास हो चुके हैं। एंड गाइज अभी क्लैन वो लीग भी यहाँ पे चल रही है भाई, ये हमारा तीसरा राउंड है एंड इस राउंड को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी फिलहाल तो गाइज हम लोग नंबर 1 के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन जो क्लैन नंबर 2 के ऊपर है भाई, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टार का डिफरेंस है। आज हम लोग अटैक करने वाले नंबर 10 के ऊपर। अगर हमारा अटैक यहाँ पे 3 स्टार निकल जाता है तो हमारे नंबर 1 के ऊपर रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड गाइज आज हम लोग यूज करने वाले हैं हाइब्रिड प्लानिंग, हम लोग ने यहाँ पे कर रखी है। यहाँ पे हमारी क्वीन आ जाएगी ताकि अपने को यहाँ पे ए डिफेंस मिल सके। अगर मैं अपनी क्वीन को यहाँ पे डालूंगा ना, यहाँ पे, तो भाई क्या हो सकता है, हमारी क्वीन इस तरफ घूम सकती है, जिससे क्या होगा, ये डिफेंस हमारे हीलर्स को खत्म कर देगा। तो सर जी क्वीन अपने को ऐसे यूज करनी है कि ये जो ए डिफेंस है वो हमारे हीलर्स के ऊपर टारगेट ना करे। यहाँ पे क्वीन आएगी, उसके बाद यहाँ पे एक येटी आएगा जो कि इस आर्चर टावर को भी डाउन कर लेगा। एंड अपने को यहाँ पे अच्छा खासा फनर मिल जाएगा ताकि हमारी जो क्वीन है वो अंदर की तरफ आ सके। क्वीन का अंदर की तरफ आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वीन को यहाँ पे टाउन हॉल को भी डाउन करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे हमारा किंग आ जाएगा, सिख बैरक्स आ जाएगी एंड फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना हाइब्रिड। हाइब्रिड हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, सारे के सारे माइनर्स, हॉग राइडर्स, वार्डन एंड रॉयल चैंपियन आ जाएगी जो कि इस तरफ पुश करेंगे। सो गाइज ये हमारी प्लानिंग है, प्लानिंग हमारी काफी सिंपल है। उम्मीद करते हैं हमारा अटैक 3 स्टार निकल जाए। अगर 3 स्टार निकल जाता है तो गाइज आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड बेल आइकन ऑन करना है। अगर 3 स्टार निकलता है तो, अगर 3 स्टार नहीं निकला तो भाई आपकी मर्जी। अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो लाइक, चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन अगर 3 स्टार निकले तो भाई जरूर से यार सब्सक्राइब एंड लाइक करना। एंड हाँ गाइस कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। तो चलिए चलते हैं भाई अटैक के ऊपर, लेट्स गो। सबसे पहले डालेंगे हम लोग अपनी क्वीन को, वेट अ मिनट, पहले हम लोग यहाँ पे एक विजार्ड को डाल देते हैं। फनल का भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वीन आ जाएगी, हीलर्स आ जाएंगी, यहाँ पे येटी, यहाँ पे बेबी ड्रैगन, सीसी यहाँ पे निकल चुका है भाई, इन्फर्नो बेबी ड्रैगन निकला है तो भाई इसको फ्रीज करना पड़ेगा वरना क्वीन की एबिलिटी जाएगी। यहाँ पे रेज आ जाएगी, क्वीन की एबिलिटी तो अपने को बचा के रखनी है भाई। यहाँ पे डाउन हुआ ही नहीं आर्चर टावर, ओके आर्चर टावर डाउन हो गया। अभी जो हमारी क्वीन है वो अंदर की तरफ आ जाएगी एंड टाउन हॉल भी अपने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रीज, रेज, कम ऑन क्वीन, ओके। यहाँ पे किंग, यहाँ पे सीग बैरक्स, यहाँ पे आ जाएंगे माइनर्स, वार्डन, हॉग राइडर्स, रॉयल चैंपियन, यहाँ पे आ जाएगी रेज क्वीन के ऊपर, वार्डन की एबिलिटी, कमोन भाई अटैक तो हमारा सही जा रहा है वैसे। यहाँ पे पहली हीलिंग स्पेल, कमोन यहाँ पे आ जाएगी लास्ट वाली हीलिंग स्पेल। अभी हमारे पास यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी है, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी है, 4 बैलून्स भी हमारे पास, तो बैलून्स आ जाएंगे यहाँ पे। कमॉन भाई, भाई मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये अटैक 3 स्टार निकले वाला है। ओ ओ ओ भाई मजा आ गया,
अभी हमारे पास यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी बची है, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी बची है, यूज करूँ या फिर नहीं? भाई वैसे सच बताऊँ तो दिल नहीं कर रहा है यूज करने का। चलो हम लोग यहाँ पे ना ऐसा करेंगे, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी यूज करेंगे क्योंकि वहाँ पे एक बिल्डर हट बचा है। एंड ये गया भाई बिल्डर हट। ओके गाइज, हम लोग ने यहाँ पे थ्री स्टार निकाल लिया। अभी बारी आती है गाइज आप लोगों की सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की, कमेंट करने की एंड बेल आइकन ऑन करने की। भाई मजा आ गया, अगर ऐसी अटैक हमारे थ्री स्टार निकलते रहे ना तो इस क्लैन वो लीग में हम लोग नंबर वन के ऊपर आने वाले हैं, चैंपियन थ्री से चैंपियन टू में जाने वाले हैं। वैसे गाइज हम लोग चैंपियन टू में जाएंगे या फिर नहीं वो अगली वॉर में डिसाइड होगा, क्योंकि अगली वॉर हमारी है जो नंबर दो के ऊपर क्लैन है उनके साथ। अगर वो लोग कल वाली वॉर को जीते तो भाई वो चले जाएंगे चैंपियन टू में, अगर हम लोग जीते तो हम लोग चले जाएंगे चैंपियन टू में। वैसे गाइज हम लोग यहाँ पे चैंपियन लीग की बात कर ही रहे हैं, तो आप लोगों का क्लैन कौन सी लीग में है एक बार फटाफट से कमेंट करके बताना। एंड हाँ गाइज, अपने को डाउनवर्ल 10 से रिवॉर्ड्स क्लेम करने हैं, फटाफट से चलते अपने डाउनवर्ल 10 के ऊपर। सो गाइज अभी हम लोग अपने डाउनवर्ल 10 के ऊपर आ चुके हैं, टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक मिनट है, फटाफट से अपने को यहाँ पे रिवॉर्ड्स क्लेम करने हैं। फर्स्ट टायर से हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग पोर्शन ले लेते हैं, सेकंड टायर से हम लोग यहाँ पे रिसर्च पोर्शन ले लेते हैं या फिर पावर पोर्शन। भाई ऐसा करते हैं पावर पोर्शन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, थर्ड टायर से जेम्स, फोर्थ टायर से हम लोग लेंगे यहाँ पे वो रिंग, ऑफकोर्स यार यही लेना पड़ेगा। एंड सेकेंड लास्ट है रून ऑफ बिल्डर गोल्ड, एंड उसके बाद रून ऑफ एलिक्सर कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फटाफट से। अभी अपने को गाइस बुक ऑफ हीरो भी यहाँ पे क्लेम करनी है, ऐसा करते हैं हम लोग किसी हीरो को अपग्रेड कर लेते हैं। भाई 96,000 डाक एलिक्सर चाहिए अपने को। नहीं भाई जेम्स तो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता, ट्रीजरी में हमारे पास है यहाँ पे, ये अच्छी बात है। फटाफट से हम लोग अपने किंग को लगा देते हैं एंड बुक ऑफ हीरो यूज कर देते हैं, फिर से चलते हैं क्लैन गेम्स में, फटाफट से हम लोग यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। ओके भाई हम लोगों ने क्लेम कर लिया, हमारे पास सिर्फ एक मिनट था, मैं भूल गया था कि अपने को रिवॉर्ड्स भी क्लेम करने हैं। अभी गाइस हमारे 5 बिल्डर फ्री है, इनको भी काम के ऊपर लगाना है, लेबोरेटरी भी हमारी फ्री है, सो हम लोग यहाँ पे पेका को लगा देते हैं। लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि हमारा जो पेका है वो मैक्स आउट हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि टनल 10 के ऊपर पेका को दो बार अपग्रेड करना पड़ेगा। सो गाइस अभी हमारे पास यहाँ पे गोल्ड बसता है, गोल्ड को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। कहाँ यूज़ करें भाई गोल्ड को? बॉम्ब टावर नहीं है, बॉम्ब टावर नहीं, हम लोग ने लास्ट टाइम एयर डिफेंस को अपग्रेड किया था, दो एयर डिफेंस हमारे यहाँ पे मैक्स आउट हो चुके हैं, दो एयर डिफेंस अभी हमारे बाकी है। ऐसा करते हैं एयर डिफेंस को लगा देते हैं, एक लगा दिया, एक कोर को लगा देते हैं। ओके अभी भी हमारे पास यहाँ पे गोल्ड है, हम लोग ऐसा करते हैं एक बार फिर से ट्रीजरी में चलते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से किसको डालें, कैनन को डाल देते हैं। चलो भाई इसको भी हम लोगों ने डाल दिया, आर्चर टावर को नहीं डाल सकते। सो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। सो ओके गाइज आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़ी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।